हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं टेक्नीशियन राहुल। तो दोस्तों, आज का वीडी कंपैरिजन है माइक्रोमैक्स 5 यूरेका 2 वर्सेस कूलपैड कूल 1 ड्यूल। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले मैं ये आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पूरा देखिएगा इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। स्पेसिफिकेशन स्कोर की बात करें, 81 मिलता है 100 में से माइक्रोमैक्स 5 यूरेका 2 को। कूलपैड कूल 1 ड्यूल को मिलता है 77। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में मार्शमैलो है। और अगर ये दो फ़ोन पड़े हुए कहीं मिल जाए तो लोग क्यों लेते हैं माइक्रोमैक्स को, क्योंकि उसका कैमरा रेजोल्यूशन अच्छा है, सपोर्ट मेमोरी कार्ड करता है, FM रेडियो भी सपोर्ट करता है, रिमूवेबल बैटरी इसलिए लेते हैं। और अगर वही बात करें कूलपैड की, तो इसमें सिर्फ ड्यूल कैमरा है इसलिए लोग लेते हैं। इसमें आप ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे ब्लर वगैरह कर सकते हैं, फ़ोटो पे फोकस ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं इसके ड्यूल कैमरा से। फिर तो जनरल बात करें तो दोनों जीएसएम है पर हाइब्रिड स्लोट है इसमें। हाइब्रिड स्लोट का मतलब ये होता है एक सिम डालेंगे एक मेमोरी कार्ड। ड्यूल सिम दोनों में सपोर्ट करता है, माइक्रो नैनो सिम माइक्रोमैक्स 5 यूरेका 2 में सपोर्ट करता है। कूलपैड कूल 1 में नैनो सिम डलता है। दोनों स्मार्टफोन है, अगस्त 2016 को लॉन्च हो गया था ये फ़ोन। डायमेंशन मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी। वेट 167 है कूलपैड का। कलर IPS की स्क्रीन है, पर कूलपैड सपोर्ट करता है 16M कलर को। दोनों मल्टी टच है, 5.5 इंच की स्क्रीन है। दोनों सेम PPI के हैं। पिंच जूम फीचर्स ये हैं। रैम दोनों की बराबर है, इंटरनल दोनों की बराबर है। कार्ड स्लॉट सिर्फ माइक्रोमैक्स में है, वो भी 128 GB तक का, और कूलपैड सपोर्ट ही नहीं करता है। कनेक्टिविटी GPRS है, एज है, 3G है, 4G है, वोल्ट है, वाईफाई दोनों में वाईफाई हॉटस्पॉट भी ऑन कर सकते हैं। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी ज़्यादा है माइक्रोमैक्स 5 यूरेका 2 की। USB दोनों सपोर्ट करते हैं। कैमरा 16 MP विथ ऑटो फोकस, यस। इसमें 13 MP के दो ड्यूल कैमरा हैं। ड्यूल कैमरे सपोर्ट नहीं है इसमें और कूलपैड में है। फीचर्स नाइट मोड मल्टी शॉट फीचर्स आपको माइक्रोमैक्स 5 यूरेका 2 में मिल जाता है। कूलपैड में फेस डिटेक्शन, जियो टैगिंग, प्रोमनाड टच टू फोकस मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों के बराबर नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी करता है कूलपैड। और फ्लैश है, पर कूलपैड में ड्यूल LED है। फ्रंट कैमरा दोनों का 8 MP है। मार्शमैलो दोनों में है 2 GHz। CPU भी फास्टर है कि माइक्रोमैक्स का 2 GHz का, इसका 1.8 का, पर क्वालकॉम है, MSM प्रोसेसर है इसमें। CPU दोनों NDO के फ़ोन है, पर ये 506 है और ये 5010 है। जावा स्क्रिप्ट किसी में सपोर्ट नहीं करती है, HTML दोनों में है। मल्टीमीडिया देखा जाए तो सपोर्ट करते हैं, MMS करते हैं, ईमेल भी दोनों में है, म्यूज़िक भी दोनों में है, वीडियो भी है, FM रेडियो आप नहीं सुन सकते। एक्स्ट्रा की बात करें तो आपको एक्स्ट्रा में मिल जाता है GPS, मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर, मिल जाता है एक्सेलेरोमीटर, कंपास, बस इसमें जायरोस्कोप सेंसर नहीं मिलता है। बैटरी की बात करें तो नॉन रिमूवेबल बैटरी है। और बैटरी ज़्यादा बड़ी बात करें तो कूलपैड की 4060mAh की LIO एंड बैटरी, और माइक्रोमैक्स की वहीं 3930 की बैटरी है MAh की। तो अब जनरली प्राइस की बात करते हैं, इनका प्राइस कितना है, तो प्राइस देखा जाए तो ये 12,000 और ये 12,500 के फ़ोन है। दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 500 का फ़र्क है। तो दोनों कैसे लगे ये मैंने अपना ओपिनियन बता दिया, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आपको कैसा लगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय।